नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भरे मंच से हमेशा शराबबंदी कानून को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके इन दावों की आए दिन पोल खुलती रहती है, जहां शराब और शराबियों के किस्से आए दिन सामने आते रहते हैं। ताजा मामला हाजीपुर का है, जहां नशे में धुत एम्बुलेंस ड्राइवर ने जमकर हुड़दंग मचाया। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें शराबबंदी वाले बिहार की हैं, जहां शराबबंदी कानून को लागू किया गया है, लेकिन शराबबंदी के बाद भी आए दिन सरकार और प्रशासन की नाकामी सामने आती रहती है, जिसका जीता जागता उदाहरण हाजीपुर जिले के गोरौल इलाके में देखने को मिला, जहां नशे में धुत एम्बुलेंस ड्राइवर ने जमकर हुड़दंग मचाया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शराबी ड्राइवर कैसे शराब के नशे में नाली में गिर जाता है, जहां लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार नाली में गिर जाता है। इस दौरान पुलिस ने जब नशे में डूबे ड्रामेबाज ड्राइवर को नाली से निकालने की कोशिश की, तब भी वो काफी ड्रामे करने लगा। जैसे ही लोग उसे बाहर निकालने लगते, वो दोबारा गिर जाता। साथ ही कभी लड़खड़ाता हुआ चलता तो कभी हाथ छुड़ाकर फिर नीचे गिर जाता। वहीं जैसे तैसे करके उसे जब नाली से सड़क तक ले आया गया, तो वहां भी वो ड्रामे करने लगा। नशे की हालत में वो बड़बड़ाता रहा। बहरहाल बिहार में शराबी और शराब की ये कोई पहली घटना नहीं है। शराबबंदी वाले राज्य बिहार से आए दिन इस तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं, जिसकी वजह से बिहार सरकार की जमकर किरकिरी होती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।